बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ होल न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स। दिस लेक्चर विल बी टोटली बेस्ड ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर आप बीएस लेवल के स्टूडेंट हैं और आपका कोर्स है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल पे आपको मिलेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वो तमाम लेक्चर्स और कंटेंट्स जो के एक पाकिस्तानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स के अंदर मौजूद होते हैं। आज जो है इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट, व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स से। क्रिटिसिज्म, हम कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो आया है एक वर्ड क्राइटिस से, और क्राइटिस का मानी है टू जज। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया जाता है कि इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सम पीस ऑफ लिटरेरी वर्क। डिफिनेशन के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स प्रोमिनेंट आ रहे हैं, एक इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन एंड सेकंड इज एस्टिमेशन। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस टू टर्म्स। अगर हम एप्रिसिएशन को फर्दर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास तीन चार चीज़ें आती हैं, जिनमें सब्जेक्ट मैनर, क्वालिटीज़, सब्जेक्ट मैटर और टेक्निक आ जाती हैं। एप्रिसिएशन में हम देखते हैं कि हाउ ही राइट्स, कि जो वर्क लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। तो हम कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ स्पेसिफिक स्पेशलिटी। It is not the job of critic to say this writer is good and that writer is bad. He will just appreciate. हमें just उसके वर्क को appreciate करना है, हमें उसके अंदर से मुख्तलिफ टेक्निक्स को निकालना है। जैसे कि टेक्निक से मुराद मेरा क्या है कि जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नरेटर का, इस वर्क के अंदर एस्थेटिक प्लेयर कितना है या इस वर्क के अंदर हिटिंग मीनिंग क्या है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। हमें ये नहीं कहना कि ये वर्क रॉन्ग है, ये वर्क राइट है, ये क्रिटिक की जॉब नहीं है। क्रिटिक की जॉब जस्ट क्या है, एप्रिसिएशन है। अब ये तो रिलेटेड था सारा एप्रिसिएशन से। अब हम कहते हैं कि एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन में हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें, एक मेरिट्स और दूसरा डीमेरिट्स, कि हमने उस वर्क के मेरिट्स और डीमेरिट्स इलाहदा करने हैं कि आया इस वर्क के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खामियाँ हैं, इसके फ्लॉज ये हैं, इसके अंदर टेस्ट ऑफ टाइम या रेलिवेंस या ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं। ये क्रिटिक की जॉब है कि उसने पॉइंट आउट करना है। तो ये एक तरह की कंप्लीट एक्सरसाइज आ गई है किसी भी वर्क के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ एक और डेफिनेशन आ जाती है क्रिटिसिज्म की, कि एन एक्सरसाइज ऑन अ वर्क ऑफ आर्ट। अब ये तो सारा रिलेटेड था क्रिटिसिज्म से। कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अ क्रिटिक शुड हैव नॉलेज, कि जो क्रिटिक है, जो क्रिटिसिज्म करने वाला है, उसके पास एक वास्ट नॉलेज होना चाहिए जो वो अप्लाई कर सके अपने वर्क्स के ऊपर। फिर हम कहते हैं कि उसके पास एनालिटिकल पावर्स होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर सके कि वर्क के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। ये भी रिलेटेड है कुछ हाउ सम हाउ, कि हम कहते हैं कि नॉलेज के साथ रिलेटेड है। फिर आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब है केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, ट्रुथ और फॉल्स, कि वो अच्छी तरह चीज़ों की जाँच पड़ताल करने वाला हो, एक क्रिटिकल थिंकर हो। लास्टली हम कहते हैं कि वो अनबाइस्ड हो, कि वो कोई प्रेजुडिस या इस तरह की कोई ममासलत हुआ के साथ ना रखे, कि अपनी बाहमी हमदर्दी या उसके राइटर से अगर उसकी नहीं बनती तो वो अपना गुस्सा इस वर्क के ऊपर ना निकाले, बल्कि बिल्कुल अनबाइस्ड हो के और एक प्योर तरीके से वर्क को एनालाइज करे और उस पर अपना क्रिटिसिज्म अप्लाई करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है। तो इसमें हम कहते हैं कि सोल टास्क ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ आंसरिंग दीज थ्री क्वेश्चंस,
कि जो क्रिटिसिज्म है उसका मेन टास्क ये तीन सवालों के जवाब देने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैज द क्रिटिक ट्राई टू एक्सप्रेस, कि जो क्रिटिक है वो क्या बताना चाहता है. नंबर टू, हाउ हैज ही सक्सीडेड इन एक्सप्रेसिंग इट, कि वो जो बताना चाहता है उसको बताने में वो कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना कामयाब हुआ है. एंड नंबर थ्री इज व्हाट इज वर्थ एक्सप्रेसिंग, कि जो उसने बताया है इसकी हॉबी क्या है, यानी कि जो उसने बताया है उसका क्रक्स क्या है. तो अगर वो तीन इन सवालों पे पूरा अमल कर देता है तो हम कहते हैं कि वाकई एक क्रिटिसिज्म हुआ है.